हेलो व्यूअर्स, यहाँ देखिए नीम ट्री पर कितनी बड़ी ईगल बैठी है। जब मैं चिक्स रखती हूँ, यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं मुर्गियों के, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। ये ईगल खाने की तलाश में रहती है और मेरी छत पर हमेशा मंडराती रहती है कि कोई चूज़ा होगा छोटा सा तो उसे उठा ले जाएंगी। और वैसे तो मैं पेड़ों पर नज़र इसलिए डाल रही हूँ कि जो मेरी लविंग गेस्ट यानी दो दो डव्स हैं, डव्स का जोड़ा है, वो दो तीन दिन से नहीं आ रहा है। आई एम वेरी वरिड, वो क्यों नहीं आ रही हैं, कहाँ चली गई। क्योंकि वो मेरे ही छत पर, यहाँ पर एक मालती की बेल है, अभी मैं दिखाती हूँ, ये वो बेल है। ये अभी पूरी तरह से इस पत्तों से, फूलों से लद जाएगी, बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसी में हमेशा घोंसला भी बनाती हैं। अनफॉर्चुनेटली घोंसला में अंडे कभी रह ही नहीं पाते हैं, बंदर इस रेलिंग के ऊपर से चढ़कर और हाथ डालकर अंडे खा जाता है निकाल के। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं एक ऐसी बास्केट लटकाऊंगी जो उसकी ऊपर से उसका हाथ नीचे ना आ पाए। लेकिन अभी तो ये आ ही नहीं रही हैं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं, कहीं भी नहीं है। और ये देखिए, ये डहलिया का इतना बड़ा फूल था लेकिन अब ये सूख गया है। अब मैं इसे अलग कर दूँगी काट के। चलिए तो फिर, आई विश द डव्स आर हेयर अगेन। बाय।